हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन फील्ड सेफ्टी वर्ल्ड। तो आज हम जुड़ रहे हैं दोस्तों आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है सेफ्टी इंडक्शन। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है या कैसे होता है और ये किसके लिए होता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि ये सब जो भी जानकारी दिया जा रहा है और दूसरे कोई भी लाभ उठा सके। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, सेफ्टी इंडक्शन आखिर होता क्या है। जैसे कि आप अगर इंटरव्यू वगैरह में कहीं जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन, तो आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको जानकारी रहेगा तो। सेफ्टी इंडक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेशन। क्या है? या एक ट्रेनिंग सेशन होता है वेयर वी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। वहां पे हम क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं किसको, इम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को। कैसे? यानी कि जो भी नए वर्कर्स और इम्प्लॉय हमारे कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। किसके बारे में? अबाउट द सेफ्टी कल्चर ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी का जो सेफ्टी कल्चर है, कंपनी का जो सेफ्टी पॉलिसी है जिस पे कंपनी काम कर रहा है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग सेशन कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद से ही वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा वर्कर्स है और जो इम्प्लॉय है वो हमारे सेफ्टी जो हमारे कंपनी में वो काम कर सकता है। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब देखिए आगे है कि टॉपिक डिस्कस, मतलब उस ट्रेनिंग में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है कि प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि हम उनको क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये प्रोजेक्ट कितने दिनों तक चलने वाला है, इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, कौन कौन सा काम चल रहा है। दूसरा है कंपनी का जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, हर कंपनी का अलग अलग सेफ्टी का पॉलिसी होता है, हेल्थ का पॉलिसी होता है, तो उसके अनुसार हम जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं उस कंपनी का जो भी सेफ्टी का हेल्थ और पॉलिसी रहता है उसके बारे में हम डिटेल्स में उनको बताते हैं। अगला है वर्क मेथड स्टेटमेंट। जो देखिए हर कंपनी में अलग अलग काम होता रहता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में हम क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई ये काम है, इस काम में ये खतरा है, उसके लिए ये सेफ्टी लेना है, ये आपको पीपीएस पहनना है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट के बारे में हम उनको बताते हैं। उसके बाद से टूल बॉक्स टॉक के बारे में बताते हैं। जब भी वर्कर्स काम पे सुबह सुबह जाते हैं, 8:30 बजे 9 बजे जब भी जाते हैं, तो सबसे पहले कंपनी में साइट पे एक हमारा टूल बॉक्स टॉक मीटिंग यानी टीबीटी जो होता है, वो एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें भी वो हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे वर्कर्स भाई होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि टीबीटी लेते हैं, तो उसके बारे में हम उन्हें बताते हैं। उसके बाद से बात होता है स्पेसिफिक जो होता है वर्क प्लेस होता है। देखिए स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि बहुत सारा जो एक्टिविटी चलता है साइट पे, जैसे कि मान लीजिए हाइट पे वर्क चल रहा है, कहीं एक्सकेवेशन चल रहा है, कहीं कंफाइंड स्पेस में काम चल रहा है, कहीं पे आपको वेल्डिंग का काम चल रहा है, कहीं हॉट वर्क चल रहा है, मतलब तरह तरह के काम चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम अलग अलग एक एक करके सारे चीजों के बारे में डिटेल्स हम उनको बताते हैं। उसके बाद से है इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी भी साइट पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फायर हो गया तो उस समय आपको क्या करना है, उसके बारे में हम डिटेल्स उनको बताते हैं। उसके बाद है साइट मैप्स और प्लान्स के बारे में। जैसे साइट का एक मैप होता है, उसमें एक चार्ट रहता है कि किधर क्या है नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी साइट पे कुछ बहुत बड़ा घटना घट गया तो हम एक असेंबली पॉइंट बना के रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है पहले से उसके बारे में डिटेल्स हम उनको बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सभी को असेंबली पॉइंट में आके खड़ा हो जाना है, तो वही यहाँ पे हमने मेंशन किया है असेंबली पॉइंट के बारे में। आगे है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीज। देखिए जब भी साइट पे वर्कर्स जाएगा तो बिना पीपीज का जाता नहीं है, बिना पीपीज का तो जाएगा नहीं, तो जो जो मेन जो अपना पीपीज है वर्क के अकॉर्डिंग, वो आपको बताया जाता है कि आपको इस वर्क में ये पीपीज पहनना है, इस वर्क में ये पीपीज पहनना है, उसके अनुसार से आपको ये सारी चीजें आपको मेंशन किया जाता है। उसके बाद से हाउसकीपिंग है।
हाउसकीपिंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है साइट पे, खास करके कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे जब काम कर रहे होते हैं तो हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर हाउसकीपिंग रेगुलर बेसिस में नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा मटेरियल डेब्रिस आपको स्लरी देखने को मिलेगा, जिससे आपको स्लिप ट्रिप बहुत तरीके के एक्सीडेंट वगैरह इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद से आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में, जैसे साइट पे काम कर रहे हैं तो बहुत तरीके से क्या हो सकता है, आपको कहीं हाथ में लग गया, हाथ में कट गया, पैर में लग गया, सर पे लग गया, तो चारों तरफ हजार्ड्स होते हैं, खतरा रहता है, तो चांसेस रहता है आपको कुछ भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का। तो उस समय आपको बताया जाता है कि हमारे कंपनी में फर्स्ट एड की व्यवस्था है, साइट पे भी रहता है या अपने ऑफिस में भी रहता है, ये सारी चीजें हमारा एक स्पेशल फर्स्ट एडर को रखा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और हम इसमें क्या करते हैं, इमरजेंसी नंबर, एक इमरजेंसी नंबर ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, कि भाई अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके फर्स्ट एडर से आगे मिल सकते हैं, जिससे कि क्या करेगा वो आपको सारी सुविधाएं दे सकता है, आपको फर्स्ट एड की सुविधा दे सकता है, और वही तय करता है कि आपको कैसा इंजुरी है, उसके बाद से आपको हॉस्पिटलाइज ले जाना है या ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वो तय करेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक बेहतरीन टॉपिक सेफ्टी इंडक्शन, और खास करके ये जो इंडक्शन का ये जो टॉपिक है, जो हमारे नए भाई जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं जो कहीं नए नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, उनको जानना जरूरी है, इसलिए कि आप कहीं भी कंपनी में जाओगे तो आपको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।